नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। मैं हूं सचिन यादव। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक, होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ शर्मा है। आइए जानते हैं कि इस भीषण लू भरी गर्मी देखा जा रहा है, हार्ट स्ट्रोक का खतरा काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कई जिलों से लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आइए सुनते हैं और जानते हैं कि हेड स्ट्रोक से कैसे अपने आप को बचाएं और लोग बाहर निकले कौन कौन सी सावधानियां बरतें। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम मीडिया में। सर, देखा जा रहा है कि काफी तेजी से हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सावधानियां लोग कैसे बरतें इस प्रचंड गर्मी में? लू से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, वाटर इंटेक करते रहें। अपने जो डाइट है उसमें मसाले का सेवन, स्पाइसी फूड वगैरह कम रखें, हल्का खाना खाएं, सुबह अच्छे खाएं और ज़रूरत होने पे ही घर से निकलें। अदरवाइज घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय। जिनको घर से निकलना आवश्यक है वो पानी पी कर निकलें, धूप में चलते समय छाते का यूज करें, डिहाइड्रेशन वगैरह से बचने के लिए ORS, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल वगैरह सेवन कंटिन्यूस समय समय पर लेते रहें। सर, होम्योपैथिक के आप अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं, गोरखपुर बगदवा में आप बैठते हैं। तो सर, आपके क्लिनिक पे कौन कौन से मरीजों की संख्या, हमारे जो भीषण गर्मी चल रहा है, लू का सीजन चल रहा है, ऐसे में क्या हीट स्ट्रोक के मरीज आपके क्लिनिक पे आ रहे हैं? गर्मी की वजह से, लू की वजह से इस समय वायरल डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, नोजिया, फीवर, इस टाइप के बहुत मरीज आ रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम, स्कैबीज, इस टाइप के मरीज बहुत आ रहे हैं जो डिहाइड्रेशन वगैरह से भी ताल्लुक रखते हैं। सर, मान लीजिए देखा जा रहा है कि गर्मी की बात हो तो क्या लोगों को खाद्य सामग्री की बात किया जाए, कौन कौन से खाद्य सामग्री खा सकते हैं इस समय पे? तुरंत बना हुआ ताज़ा खाना और जिसमें तरल पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, मसाले कम हो, घर का बना हुआ सादा खाना ही खाना चाहिए इस समय पे। जिसमें पानी वगैरह ज़्यादा हो, फल वल ज़्यादा लेना चाहिए इस समय। अभी कौन से मरीजों की अत्यधिक तादाद देखी जा रही है आपके क्लिनिक पे? फीवर, दस्त, उल्टी, इस तरीके के मरीज इस समय ज़्यादा हैं। सर, मान लीजिए आप कौन कौन से उपचार सुनिश्चित करते हैं, कौन कौन से मरीज आपके पास आते हैं, कौन कौन से उपचार आपके द्वारा किया जाता है? होम्योपैथी में लगभग सभी तरीके के मरीज आते हैं, जैसे किडनी स्टोन, ट्यूमर, सिस्ट, एब्डोमिनल, किसी भी तरीके का, इस तरीके का, आगे सीजनल वगैरह सब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। सर, देखा जाए काफ़ी अफवाहों भी सुना जाता है कि होम्योपैथी काफ़ी धीरे धीरे कार्य करती है, इसको लेकर क्या सफाई मिलती है? होम्योपैथी टोटलिटी आप सिम्टम पे काम करता है। अगर एग्जैक्ट सिम्टम पेशेंट के सिम्टम से मैच करके दवा दी जाती है, डायग्नोस अच्छे से करके दिया जाता है तो बिल्कुल भी देर से नहीं काम करता है, क्विक काम करता है। ये सरासर भ्रांति है और अफवाह ही है ये कि देर से काम करता है। सुबह का बच्चा अगर दस्त और वोमिटिंग में आता हो और शाम तक उसको कंट्रोल ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल हो जाता है होम्योपैथ से, ऐसी ये गलत बात है, अच्छा काम करता है। सर, होम्योपैथिक में कौन कौन से उपचार बेहतर है? जैसे देखा जा रहा गंभीर बीमारी चल रहा, कैंसर हुआ, जॉइंटिस हुआ, लीवर, देखा जाए ज़्यादातर लोग पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, आखिर उसका कारण क्या है और उसका उपचार क्या है? पेट की समस्याएं अनियमित खान पान से, लेट नाइट वॉच से, अत्यधिक बाहर का जो जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, इन सबों के सेवन से ज़्यादा होता है। रही बात जटिल रोगों की, तो जहाँ पे स्कोप और लिमिटेशन सब जगह पे होते हैं, तो जहाँ पे इनिशियल स्टेज है वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क है इसका। बाकी सभी तरीके के रोगों में होम्योपैथी का स्कोप है। प्रथम स्टेज का कैंसर, सेकंड तक, क्या कैंसर होम्योपैथिक रोकथाम में कुछ कारगर है? मदद तो जरूर करता है इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे बहुत हद तक उसको रोकने में बहुत कारगर है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, निकल जाता है हाथ से तो उसमें तो फिर कुछ नहीं खा जा सकता, सब उनके वाले के हाथ में होता है। सर, आप कई वर्षों से आप जनता की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए इलाज करते, क्या ऐसे मरीजों को देखा, कैंसर के ऐसे मरीजों जो प्रथम और सेकंड स्टेज के मरीज आपके पास आए हों, अपना उपचार कराया? कैंसर के मरीज आए हैं,
जहाँ पे कीमो की जरूरत पड़ती है वहाँ कीमो दिया ही जाता है। सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, तो उनसे जो कैंसर के सिम्टम्स हैं या फिर कीमो के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में उनका भी बहुत मदद करता है। मैं ये तो अभी तक ये नहीं बोलूँगा कि कैंसर को टोटली टोटल अपने ही दवाओं पर रख के इलाज किया गया है, पर बहुत सारे मरीज मेरे पास ऐसे हैं कैंसर के जो अपनी दवाओं से उसको रोका गया है उनके सिम्टम को। सर, लीवर फैटी की समस्या अत्यधिक लोग जूझ रहे हैं, लीवर फैटी का अच्छा उपचार क्या है? फैटी लीवर होना एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो इरेगुलर डाइटरी बॉडी के द्वारा कैंसर में भी तब्दील हो सकता है बाद के स्टेजों में। लीवर फैटी को सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करना और खान पान को ठीक करना, इससे बहुत हद तक सही रहता है। क्या मतलब लीवर फैटी की समस्या कब उत्पन्न होती है, क्या ऐसा रहता है, दिनचर्या क्या रहती है, कब ऐसा समस्या उत्पन्न होती है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, वजन का बढ़ना, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, लगातार बैठे रहना, किसी भी एक्टिव बॉडी का ये सब कम होता है तो होता है। और कोई सर लास्ट क्वेश्चन है, हमारे चैनल के हमारे न्यूज़ टाइम मीडिया के माध्यम से दर्शकों को स्वस्थ रहने का टिप्स कैसे देंगे? इस समय जो प्रचंड गर्मी चल रहा है इस समय अपने खान पान को बहुत सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तरल पदार्थ ज़्यादा लें, फल का सेवन ज़्यादा करें, ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का इस समय खाना बंद कर दें, पानी समय समय पर पीते रहें, इससे इतना करने से बचा जा सकता है। अभी आपने सुना वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ शर्मा जी की जुबानी। देखते रहे न्यूज़ टाइम मीडिया गोरखपुर से सचिन यादव की स्पेशल खास रिपोर्ट।